कि जब भी किसी का किसी के साथ फटा होता तो वो कोई ऐसी चीज पकड़ लेता जो उसकी छेड़ होती है चिड़ होती है जो उसके अपने जहन में वो उसकी इंसल्ट समझता इतने बिगेटेड हो जाते हैं इन योर माइंड कि आप उसकी हर किस्म के लोग मुसलमानों में भी है क्रिश्चियंस में भी है हर एक में है और हमारे अपने एथियस्टो में भी है तो ये हमें पता चल गया कि ये कितना पोलराइज है और ये डिसऑनेस्ट मीडिया वी नो दिस एज एन इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर या एज एन इंडिपेंडेंट किसी भी सोसाइटी की जो सबसे वॉनबल कम्युनिटी होती है वो उसके बच्चे होते हैं इवन माइनोरिटी से भी नीचे एक दिन का बच्चा एक हफ्ते का बच्चा एक महीने का इवन दस साल का बच्चा उसको किसी न किसी एडल्ट की जरूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए हम एनिमल किंगडम में देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा मुहताज जो जो बेचारा मासूम इन्फेंट होता है वो इंसानों का इन्फेंट होता है सारों की डिवेलपमेंटल जो स्टेज है बाकी जानवरों की वो कम होती है इंसानों के हाथियों की उसमें आती है पीरियड में लेकिन अगेन हाथी का जो इन्फेंट होता है वो भी बड़ी जल्दी अपनी देखभाल कर सकता तो इससे साबित ये होता है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों में करेंगे उतने काबिल एज एडल्ट वो बनेंगे और इसी से पता चलता है कि कौन सी सोसाइटी आगे जा रही है कि वो अपने बच्चों में क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है जब हम अपनी तरफ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं क्या है? तकरीबन टू करोड़ के करीब बच्चे जो है ढाई करोड़ कहा जाता है कि स्कूलों से बाहर है तकरीबन पौने दो करोड़ जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ते हैं उनका भी घर की है और पच्चीस लाख बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं यानी हम पाकिस्तान को देख के और आए दिन जो बच्चों के साथ वाकियात होते हैं मदरसों में क्या होता है अभी बिफातवा का वाकत

नई एजुकेशन आ रही है बच्चों पे इन्वेस्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि आपके अगले बच्चे जो हैं आपका अगला जो सौ साल चलो सो और ज्यादा हो गया तो अगला कम से कम पचास साल जो है वो आपने ऊपर की तरफ ही जाना आगे आप पीक करते हैं फ्लैटो होते हैं वी डोंट नो दैट लेकिन अभी हम आपको पचास साल का बता सकते हैं कि क्या तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ जो आपने वीडियो देखी वायरल हुई पूरी ट्विटर पे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में गई और खूब इसके ऊपर चर्चा हुई भाई। कोई लोग कुछ कह रहे हैं कई लोग कुछ कह रहे हैं और जो टिपिकल रिस्पॉन्स होता है अगर कोई हिंदू परपेट्रेटर होता है और मुस्लिम विक्टम होता है तो कहा जाता है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्रिकेट का मामला था ये वो मामला था वगैरह वगैरह एंड वाइस वर्सा जब मुसलमान करता तो वो कहता नहीं नहीं ये जी इसका कोई और इशू था ये हम पे किया गया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो so, ये टिपिकल सा हमें फ्रेमवर्क नजर आता है लेकिन मैं इसके ऊपर आपको एक डिफरेंट ओपिनियन दूंगा जो मेरी सोच में

भी बन सकते हैं और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में बताए की जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप करते हैं या नहीं करते एक बच्चा खड़ा उसे बच्चे उसके और मुझे समझ नहीं आ रही थी जो आवाज थी लेकिन उसमें मुहमदन, मुहमदन का वर्ड एक है। का वर्ड हमने देखा है इंडिया में स्पेशली अब दोबारा रिवाइव किया जा रहा है मुसलमानों के हवाले से मैंने देखा कुछ लोग ये भी कुछ इंटेलेक्चुअल ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान

क्योंकि वो टीचर इसलिए वो खुद दे सकती थी उसने उसने लोगों को कहा आके मारो एक -एक वो भी नहीं लगाना चाहिए ये भी हमारे पुराने है नाइन के हमें भी मुझे मैं, मैं क्रिश्चियन स्कूल में गया था कैथीड्रल स्कूल में हमारे भी टीचर हमें खूब हमारी धुलाई किया <laughs> अब ऐसा नहीं हो सकता आप मैंने देखा पाकिस्तान में भी जो अच्छे स्कूल है वहां पे फैंटी की इजाजत नहीं है तो ये पब्लिक स्कूल था आई थिंक और यूपी में है तो यू you नो know, इसके और भी कॉन्टेशन दो anyway, सामने फैक्ट्स रख दू फिर उसको अनपैक करेंगे फिर उसके बाद जिसने वीडियो बनाई वो आदमी मुसलमान है उसकी भी वीडियो आई उसने कहा नहीं कम्यूनल एंगल कोई नहीं है उसने भी यही बात की वो करके जी वीडियो में जो बात हो रही है उसमें कि ये जो मुस्लिम महिला है वे अपने मायके चले जाती है और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते ये बात अच्छी जी 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 उस तुम्हारी वीडियो को किसी ने बढ़ा के आगे करके आगे बढ़ा जी ठीक

आपके जो नॉर्म्स हैं उनको बदलना पड़ेगा मुझे नहीं पता कि इंडिया में ऐसे लॉस पास हुए हैं कि 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 नहीं नहीं फिजिकली बच्चों को डिसिप्लिन किया जा सकता। Now, that could be true वो है तो खुद से जाने नहीं दे सकती बट इज इट पॉसिबल कि वो बाकी बच्चों को भी दूसरों से थप्पड़ पड़वाती है? Is it? क्या ये मुमकिन है क्या ऐसा हुआ है या होता आया है या फर्स्ट वन ये भी मुमकिन है कि ओपिनियन दे रहा हूँ कि जब भी किसी का किसी के साथ फटा होता तो वो कोई ऐसी चीज पकड़ लेता है जो उसकी छेड़ होती है चेड़ होती है जो उसके अपने जहन में वो उसकी इंसल्ट समझता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पाकिस्तान में किसी मुसलमान की क्रिश्चियन से लड़ाई हो जाए किसी भी बात ये तुमने पैसे कम दिए हैं तुमने मेरा ये काम नहीं किया तुमने ये मुझे कह दिया वो तो पलट के उसको चे का वर्ड उसके ऊपर बोलेगा पाकिस्तान में हिंदू वर्ड द वर्ड हिंदू इट सेल्फ एस एन इंसल्ट समझी जाती है अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो उसको कहेगा तू तो है ही हिंदू 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 ऐसे जैसे गाली है मैं बल्कि आगे चलता हूँ मैं आपको ये शायद मैंने कहानी पहले सुनाई है ये नहीं सुनाई लेकिन इतना मैंने बताया कि मेरे जो नानी का घर था और उनके साथ वाला घर था वो लखनऊ से माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान में वो शिया थे बाद में आए थे वो तो ये हमारा पुराना तो उस पूरे मोहल्ले में वो शिया थे पहले तो सही मेरा बचपन के दोस्त है वो उनके साथ हम खेलते थे उठना बैठना घर आना जाना ये वो तो मेरी एक दफा उसके साथ लड़ाई हो गई उनके जो मेरे दोस्त के चाचा थे उनके साथ मेरी लड़ाई हो गई लड़ाई नहीं हुई यानी मैं बच्चा ही था सात आठ साल यानी बदतमीजी होगी मैंने कहा उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने आगे से कहा शिया हल्का सा मैंने कहा एंड आई आई डिड समथिंग रॉन्ग उन्होंने कहा क्या बोला बेटा डिट नहीं कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला तो उन्होंने मेरी शिकायत लगाई मेरी अम्मी को एंड आई टोल्ड ऑफ के बेटा ऐसे नहीं अगेन ये आठ

ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस बन गया चमार और जो चे वाला दूसरा वर्ड है इसको इन

यू कैन नॉट मेक दट डिस्टिंक्शन आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सो आई थिंक ये वो डीप रूटेड बिगेटरी है जो हमारे सारी सोसाइटी में हर किस्म के लोग मुसलमानों में भी है क्रिश्चियंस में भी है हर एक में है और हमारे अपने एथियस्टो में भी है शायद ये सब में है और ये सोसाइटी जब इवॉल्व होगी आहिस्ता आहिस्ता तो फिर होगा लेकिन अब कोई अच्छी पॉजिटिव बात भी करना है पॉजिटिव बात ये हुई कि मैं ट्विटर पे देख रहा था अक्रॉस द बोर्ड इसको टीचर के एक्ट को बुरा कहा गया इवन जो बहाने मार रहे हैं जो बहाने कह रहे हैं इट कम्यूनल एंगल फेयर दे हैव टू यू नो क्योंकि उन्होंने अपनी साबित नहीं करना की उनके भी है ये हमने देख लिया आपके लेफ्ट के लोग भी पागल है आपके राइट के लोग भी पागल है वो लेफ्ट के लोग जो

सेंटर के लोग हैं। वो इसमें राइट या लेफ्ट में ना पढ़ जाए उम्मीद करता हूं आज की आपको पसंद इसको पर जाकर भी बन सकते हैं क्या आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया आपको नहीं आया क्या चीज आप इससे कॉमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें मैं उन सारों को पढ़ने की मैक्सिमम कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश जरूर करता हूँ अब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए पेटर्न बनिए या फिर आप मुझे बाय में या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं